हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर जो है वो एक बार फिर से बरपने लगा है। कोरोना को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले 24 घंटे में 100 नए संक्रमित मरीज पाए गए, 6% से ज्यादा संक्रमण दर है। प्रदेश में कोरोना एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है, 354 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 100 नए केस सामने आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वह पिछले 24 घंटे में 100 नए संक्रमित मिले हैं। एक तरफ जहां पर चैन की सांस ले रहे थे लोग, कोरोना को अलविदा कह चुके थे लोग, लेकिन एक बार फिर से कोरोना ने लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे दी है और एक बार फिर से कोरोना लौटने की तैयारियों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है उसमें इजाफा होने लगा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए हिमाचल प्रदेश में तो 100 मरीज मिल चुके हैं, एक्टिव मरीज है, संक्रमित हैं, और प्रदेश में 354 एक्टिव केस फिलहाल मौजूद हैं। तो प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है, प्रशासन लगातार ये अपनी तरफ से प्रयास भी कर रहा है कि किस तरीके से और जागरूकता फैलाई जा सकती है कोरोना को लेकर, और स्वास्थ्य विभाग भी पूरे तरीके से अलर्ट पर है, हाई अलर्ट है, क्योंकि इसीलिए स्वास्थ्य विभाग की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी चुनौती भी है स्वास्थ्य विभाग के सामने कि किस तरीके से एक बार फिर से कोरोना को फैलने से रोका जाए। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, पिछले 24 घंटे में 100 नए संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, 6% से ज्यादा संक्रमण दर बताया जा रहा है, जो कि चिंताजनक है। प्रदेश में कोरोना के 354 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में बात करें तो 100 नए संक्रमित मिल चुके हैं और फिलहाल जांच लगातार जारी है, लगातार टेस्टिंग जारी है। यह बात इस बात पर भी डिपेंड करती है, इस पर भी ये निर्भर करता है कि कितनी टेस्टिंग हो रही है। स्वास्थ्य विभाग का भी ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो, ताकि आंकड़े जो हैं वो सही मायने में स्पष्ट हो सकें कि क्या कुछ स्थिति है कोरोना की। तो कोरोना पर ज्यादा बातचीत के लिए धर्मशाला से हमारे संवाददाता मनोज धीमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ है। मनोज धीमान, कोरोना को लेकर क्या स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है? जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश कोरोना की चौथी लहर की तरफ जा रहा है क्या? बिल्कुल बसंत, देखिए जिस तरह से मौसम बदला था और मौसम के बदलने के बाद ही जो है वो कोरोना के केस लगातार एक्टिव होने शुरू हो गए हैं। तकरीबन प्रदेश की बात करें तो 354 केस जो है वो प्रदेश में एक्टिव पाए गए हैं। जिला कांगड़ा की बात करें तो 17 केस एक्टिव पाए गए हैं और 111 लोगों की जो है वो सैंपल टेस्टिंग की गई है। लगातार लोगों की टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से बसंत यही अपील करता रहा है कि आप अगर आपको सर्दी या जुकाम है तो आप अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। हर जितने भी सिविल अस्पताल है वहाँ पर कोरोना टेस्ट की जो है सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो ऐसे में होम आइसोलेट जो है वो इन लोगों को किया गया है। 17 लोग जिला कांगड़ा में अभी जो है वो होम आइसोलेट है, इलाज उनका चल रहा है। तो अभी तक अस्पताल में किसी भी व्यक्ति को भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो ऐसे में लगातार जो है कोरोना बढ़ता हुआ एक बार फिर नजर आया है और स्वास्थ्य विभाग जो है वो बिल्कुल अलर्ट पर है और किसी प्रकार की कोई कमी जो है वो नहीं आने दी जाएगी। कल हमारी सीएमओ से भी बात हुई थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर किसी को सर्दी जुकाम होता है तो वो अपने नज़दीकी अस्पताल में अपनी जाँच करवाए और जाँच के बाद अगर कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है बल्कि एहतियात बरतना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि अगर इसी तरह से मामले बढ़ते नज़र आए तो कहीं ना कहीं जो है मास्क और जो सोशल डिस्टेंसिंग थी उसको फिर से अपनाना जो है वो लोगों को जरूर पड़ेगा बसंत। ठीक है मनोज धीमान, जब कोरोना के मामले इस तरीके से बढ़ते हैं अमूमन ये देखने को मिलता है प्रशासन की तरफ से आम लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की जाती हैं और अस्पतालों के लिए स्पेशल गाइडलाइन जारी की जाती है, तो अस्पतालों को क्या कुछ विशेष एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन की तरफ से कि इन चीजों की तैयारी आप रखिए अगर स्थिति नियंत्रण से अगर बाहर होती है तो, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल बसंत, देखिए कोरोना के मामले जब एक्टिव हुए थे 8 से 7, 9 या 10 केस हुए थे तो उसी वक्त जो है वो स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया था और उन्होंने जितने भी अपने सिविल अस्पताल हैं उन सभी अस्पतालों को आदेश जारी कर दिए थे कि अपने जितने भी अस्पताल वहाँ तैयारी जरूर रखें और किसी प्रकार का कोई टेस्ट ना हो पाए। सभी टेस्ट जो हैं वो इसी अस्पताल में होने चाहिए, कोरोना के RT-PCR से लेकर के रैंडम टेस्ट तक जो है वो अस्पताल में होने हैं। सभी टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज से आती है, तो जितने भी टेस्टिंग हो रही है वो टांडा मेडिकल कॉलेज
कॉलेज में जा रहे हैं, वहां से रिपोर्ट जो है बनकर आ रही है। इससे पहले भी अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना जब चरम सीमा पर फैल चुका था तो उस वक्त भी टांडा मेडिकल कॉलेज ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। सारे के सारे रिपोर्ट जो है वहीं पर बन रहे थे, सारे टेस्ट वहाँ हो रहे थे। ऐसे में अब जितने भी सिविल अस्पताल हैं जिला कांगड़ा के, वहाँ पर सिविल अस्पतालों में जो है वो कोरोना टेस्टिंग की सुविधा मुहैया करवा दी गई है। और अगर बार बार स्वास्थ्य विभाग यही अपील कर रहा है कि अगर आपको सर्दी जुकाम है तो आप सबसे पहले अपना कोरोना टेस्ट करवाएं ताकि पता चल सके कि आप कहीं कोरोना की चपेट में तो नहीं आ चुके हैं, और एहतियात बरतने की जरूरत है। साथ ही साथ मास्क का लगता है अब दोबारा फिर से जो है वो एक प्रचलन शुरू हो जाएगा और दोबारा। ठीक है मनोज धीमान, नजर अपनी बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता सोलन से विशाल और मंडी से नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनके जिलों में क्या कुछ स्थिति है कोरोना को लेकर। तो सबसे पहले विशाल आपके पास आना चाहूंगा, सोलन को हॉटस्पॉट भी माना जा रहा है कोरोना का, क्योंकि कोरोना के सबसे ज्यादा केस जो है वो फिलहाल सोलन में ही बताए जा रहे हैं, क्या कुछ ताजा जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो जिला सोलन है, एक भी दिन ऐसा नहीं आ रहा है कि जब यहाँ पर कोरोना के मामले नहीं आए हैं। पिछले दिन जो है 6 मामले आए, उससे पहले दिन 21 और उससे पहले दिन 10 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। ठीक है, अभी तक जो सोलन है, सोलन में 60 मामले कोरोना के सामने हैं। मैं आपको बता दूं कि जो 24 घंटे है, 24 घंटे में कोरोना के हिमाचल में 100 नए मरीज मिले हैं, और हर रोज जो है अगर आप देखेंगे 31 दिसंबर को जो हिमाचल है कोरोना मुक्त हो चुका था, लेकिन जो अब ये आंकड़ा है ये अब जो है अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। अब हिमाचल में जो एक्टिव केस है, मैं आपको बता दूं कि 354 हो गए हैं, और बीते 5 दिनों में ही 3,996 लोगों की कोरोना की जांच की गई थी, और इनमें से 303 लोग जो है कोरोना संक्रमित मिले हैं। यानी 5 दिनों के दौरान कोरोना की संक्रमण दर जो है 7.59% की है। ये कहीं ना कहीं हिमाचल के लिए एक खतरे की घंटी भी है, और इसीलिए अब एहतियात बरतनी जरूरी होगी, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो चाहे वो जनता हो, क्योंकि कोरोना जो है अब धीरे धीरे हिमाचल में पांव पसारता नजर जरूर आ रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, नजर अपनी बनाए रखिएगा कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की जो कार्रवाई वो देखने को मिले। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंडी से नितेश हमारे संवाददाता लगातार फोनलाइन पर हमारे साथ बने हुए, उनसे भी बातचीत करेंगे। नितेश देखिए, जिस तरीके से सोलन में केस बढ़ रहे हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश में केस बढ़ रहे हैं, तो मंडी में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है फिलहाल कोरोना को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में जो कोरोना के मामले है, पिछले 24 घंटों में 100 नए मामले यहाँ पे सामने आए। भाई हम मंडी जिला की बात करें तो यहाँ पर 18 जो कोरोना संक्रमित यहाँ पे पाए गए हैं। वही स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइन भी यहाँ पे जारी की गई है कि भीड़ भाड़ इलाके में मास्क पहनकर ही लोग मास्क का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ इलाके में जाने से बचें। इसके साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने इसको लेकर भी तैयारियां अब शुरू कर दी हैं यहाँ पे, और अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। जी ठीक है नितेश, बहुत बहुत शुक्रिया।